कुराहा में एक ज्वेलर से 2 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले को साहा पुलिस ने महज 24 घंटे में ही सुलझा लिया है। बता दें कि साहा पुलिस को एक ज्वेलर ने ये शिकायत दी थी कि कुछ बदमाशों ने उसे फोन कर उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साहा के एक ज्वेलर से बदमाशों द्वारा 2 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले को साहा पुलिस ने महज 24 घंटे में ही सुलझा दिया है। बता दें कि साहा पुलिस को एक ज्वेलर ने शिकायत दी थी कि कुछ बदमाशों द्वारा उसे फोन कर धमकी देकर 2 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है, जिस पर साहा पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों को महज 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि साहा थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर उनका रिमांड मांगा गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। नहीं सर, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी हमने आज रिमांड पे लेके आएंगे। रिमांड पे आने के बाद हम पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद ये जो पकड़े गए हैं इनके क्या नाम है और कहां के रहने वाले हैं? ये सर इनमें से एक तो है जी राजेश कुमार जो गांव पीरखेड़ा, और दूसरा है हरिराम, ये है गांव जोधपुरिया, ये थाना रानिया जिला सिरसा में पड़ते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये पेशेवर हैं या कि वैसे ही कुछ पता लगा? देखिए सर पेशेवर अभी हम नहीं कह सकते, ये तो अभी पूछताछ करेंगे, गहनता से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के दौरान ही पता चलेगा कि ये कैसे हैं, किसी गैंग से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। मैं सुपर ज्वेलर्स का मालिक प्रवीण वर्मा हूँ। परसों 8 तारीख को मेरे पास शाम को 5 बजे एक कॉल आई, जिसमें मुझे 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई, और उसके बाद मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने अपना साहा थाने में जाके कंप्लेन की इस चीज़ की, जिसमें पुलिस थाना के जो प्रभारी है बलकार सिंह जी, वो उन्होंने फटाफट एक्शन लिया और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया, और हम उसके उनके बहुत आभारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी काम किया, बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनको।